एक या दो नहीं बल्कि इस गांव की हर महिला अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। घर के पुरुषों पर निर्भर रहने के बजाय गांव की सभी महिलाओं ने एक साथ मिलकर अपनी आजीविका के रूप में रेशम कीट पालन का काम शुरू किया है। किसी भी प्रकार की खेती के विपरीत रेशम उद्योग प्रबंधन आर्थिक रूप से विकसित होने के लिए आदर्श माध्यम है। इन महिलाओं ने इसी में अपनी उपयोगिता साबित की है। ये महिलाएं तेलंगाना राज्य के सूर्यापेट जिले के नाडीगुडीम की रहने वाली हैं। रेशम कीट का प्रजनन बेहद ही नाजुक काम है। कीटों को खिलाने के लिए बड़ी संख्या में शहतूत के पेड़ों को लगाया जाता है। इन बागानों को उगाने से लेकर रेशम के कीड़े बनाने व इकाइयों तक भेजने की पूरी प्रक्रिया नाडीगुडीम की महिलाएं खुद ही करती हैं। उनकी विशेषज्ञता को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है और प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। ICRISAT कंपनी ने उनके लिए वाटर शेड का निर्माण भी किया है। स्थानीय स्तर पर इस उद्योग के बारे में जानने के बावजूद हम इसे पूरी तरह से समझने के इरादे से मैसूर गए। वहाँ 10 दिनों तक इसका प्रशिक्षण लिया। रेशम के कीड़े कैसे पाले, इसके बारे में हमने नई बातें सीखी। फिर हमने लौटकर अपने गांव में यह उद्योग शुरू किया। अब अन्य फसलों की तुलना में इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। पुरुषों की मदद के बिना ये महिलाएं यह सब हासिल कर रही हैं। हमने 2010 में यह सोचकर रेशम उद्योग में प्रवेश किया कि यह काम अच्छा होगा। इसकी फसल हर महीने के अंत में काटी जाती है। निराई, कटाई, खाद और कीट प्रजनन जैसी गतिविधियां होती हैं। अगर सब कुछ सावधानी से किया जाता है तो फसल उचित मात्रा में प्राप्त होती है। 2014 तक यहाँ के किसान केवल धान, कपास, मूंगफली और दाल जैसी खाद्य फसलों की खेती के बारे में ही जानते थे। बाद में उन्होंने एक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से रेशम उद्योग के बारे में सीखा और रेशम कीट पालन का फैसला किया। समूह ने उन उद्योगों का दौरा किया जो पहले से ही स्थापित थे और सफलतापूर्वक चल रहे थे। फिर सभी ने फसलों के रुझानों की बारीकी से जांच की और वापस घर लौटने पर शहतूत की खेती शुरू की। शुरू में श्रम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी समस्या हो गई है। हालांकि फसलें अच्छी पैदा हो रही हैं, अगर हम खेतों को कीटनाशक या कीट भक्षियों और बीमारियों से बचाने में सावधानी बरतें तो पैदावार और बेहतर होगी। गाँव में कुल 25 शेड हैं। एक ही वर्ष में अब वे 8 फसलों की कटाई करते हैं और अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। ये खेती कठिन भी है और लाभदायक भी। सुबह 7 बजे से शुरू होकर 3 घंटे और दोपहर में फिर 3 घंटे का काम होता है। जब कीड़े 4 दिन के होते हैं तो 2 श्रमिक उनकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त होते हैं। इसके बाद 2 और श्रमिकों की जरूरत होती है। हालांकि अंत में कीड़े इकट्ठा करके बाजार भेजने के लिए 7 या 8 लोगों की जरूरत होती है। रेशम उद्योग चलाने वाली इन महिलाओं का कहना है कि 30 दिनों की प्रत्येक फसल के साथ 50,000 रुपए तक का लाभ अर्जित किया जाता है। गर्मियों को छोड़कर ये महिलाएं बिना किसी अवकाश के प्रति साल 8 फसलों की कटाई कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।